महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, उड़ीसा और बंगाल के बाद अब दिल्ली और यूपी समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बुधवार यानी 20 जुलाई को झमाझम बारिश देखी गई। इस दौरान देश की राजधानी के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति देखने को मिली। अब मौसम विभाग के तरफ से 21 और 22 जुलाई को उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि उत्तराखंड में बारिश की वजह से हाल के दिनों में भूस्खलन की कई घटनाएं देखने को मिली हैं। इस दौरान बारिश और पहाड़ों पर चट्टानों के मलबे गिरने की वजह से कई सड़कों को बंद भी किया गया था। अब एक बार फिर उत्तराखंड के मौसम को लेकर आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 21, 22, 23 जुलाई को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान इन जिलों में भारी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अगले 3 दिन आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावनाएं भी हैं। वहीं कुछ स्थानों पर गरज के साथ छींटे पड़ने के आसार हैं। वहीं लखनऊ में आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा और हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब के कुछ हिस्सों, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तर और मध्य प्रदेश, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और असम, अरुणाचल प्रदेश, तटीय क्षेत्र ओडिशा, विदर्भ और तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं शेष पूर्वोत्तर भारत, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा, आंतरिक ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल, लक्षद्वीप, उत्तरी बिहार के कुछ हिस्सों में, दक्षिण बिहार, झारखंड और तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बिहार के शेष हिस्सों, लद्दाख, राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा और लक्षद्वीप में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं बता दें कि बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान महाराष्ट्र और गुजरात में हुआ है। भारी बारिश के बाद यहां की नदियां उफान पर हैं। कई जिलों में बाढ़ से स्थिति बन गई है। दोनों ही राज्यों में मरने वालों की संख्या 100 के पार पहुंच चुकी है। मौसम विभाग द्वारा भी प्रभावित क्षेत्र के लोगों को अतिरिक्त एहतियात बरतने का निर्देश दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।